विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नागलोक के वासियों, स्मरण है आप सभी को कि किस छलावे के कारण आपकी जिया इस प्रकार दो भाग में विभक्त हुई थी, या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी, या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी, या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी। स्वामी, कौन है ये दुष्ट अधम असुर? असुर जीवित यहाँ कैसे प्रवेश कर गया? मेरे सेनापति ने इसे कैसे प्रवेश करने दिया? कौन है दुष्ट असुर और किस प्रयोजन से आया है यहाँ? नागों के शुभ चिंतक आपको स्मरण दिलाएंगे कि किस प्रकार देवताओं ने आपके साथ दुष्टता की। स्मरण दिलाएंगे आपको छलावे का, जो कारण बना आपके विभक्त जीवा का। नागों की विभत जीवा की घटना का आरंभ तो ऋषि कश्यप से हुआ, जिन्हें ब्रह्मदेव ने सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति का भार सौंपा था। ऋषिवर ने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया और समस्त देवता उनकी प्रथम पत्नी देवी अदिति की संतान बने। उनकी द्वितीय पत्नी देवी दिति दानवों की माता बनी और फिर जब उनकी अन्य पत्नियों से संतान उत्पत्ति का समय आया, तब उन्होंने अपनी पत्नी देवी कद्रु और देवी विंता से एक सरल सा प्रश्न पूछा। आप दोनों को कैसी संतानों की प्राप्ति की इच्छा है देवियों? स्वामी, मैं एक सहस्त्र शक्तिशाली पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। स्वामी, मुझे तो मात्र 2 तेजस्वी पुत्र ही संतान के रूप में चाहिए, जो अपने अद्भुत और अपूर्व तेज और प्रताप के लिए संसार में विशेष ख्याति अर्जित करे। देवी कद्रु चतुर और कपटी थी और वो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ संतान चाहती थी, अपने से भी उत्तम संतान चाहती थी। और उन्हीं से विपरीत देवी विंता शांत, सरल और भोली थी और वो कम में ही संतुष्ट थी। सरल हृदय की थी आपकी माता देवी कद्रु और देवी विनता अत्यंत ही चतुर और कपटी, और ऋषि कश्यप ने दोनों की इच्छा पूर्ण की और आपकी माता कद्रु के इच्छा अनुसार उन्हें सहस्त्र अंड प्राप्त हुए और देवी विनता के अनुसार उन्हें 2 अंड प्राप्त हुए। देवी कद्रु के शास्त्र अंग यथाशीघ्र ही संतान उत्पन्न करने लगे और इसी प्रकार जन्म हुआ शक्तिशाली नागों का। वो एक एक नाग अत्यंत उग्र था और शक्तियों से परिपूर्ण भी था। प्रतीत होता है मेरी पत्नी देवी नाग लक्ष्मी पर भी इन मायावी तरंगों का प्रभाव हो रहा है। मुझे किसी प्रकार इसके प्रभाव को रोकना होगा। किंतु देवी विनता कहां शांत बैठने वाली थी। उन्होंने समस्त नागों से अत्यंत ही शक्तिशाली और बलशाली संतानों की कामना की थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागों के जन्मों के उपरांत भी उनके अंड में कोई भी गति उत्पन्न नहीं हुई। देवी विंता ने तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त और जिस प्रकार तेज उत्पन्न करने हेतु चेष्टा, चिंतन और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होती है, उसी प्रकार तेजस्वी संतान के लिए भी धैर्य धारण करना होता है। Thank you.
जब प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया तो माँ का मन नहीं माना और वो चिंतित हो उठी। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उनके धैर्य का बांध टूट गया और इस पीड़ा से वो इतनी विचलित हो उठी कि उन्हीं के हाथों एक अंड खंडित हो गया। पुत्र 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 और फिर उस खंडित अंड से एक अर्ध विकसित अरुण उत्पन्न हुआ। समय से पूर्व खंडित होने के कारण उससे उत्पन्न होने वाले देवी विंता के पुत्र अरुण के पंख अर्ध विकसित ही रह गए। आपने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया माँ? अब मुझे जीवन पर्यंत ये कष्ट भोगना होगा। अर्ध विकसित पंख लेकर संपूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं गहन चिंता में डूब गई थी। मुझे और देवी कतरू को एक साथ आशीर्वाद मिला था, किंतु उनके तो सहस्त्र अंड उनके पुत्रों को बहुत समय पूर्व ही जन्म दे चुके थे, किंतु मेरे अंड अभी भी उसी अवस्था में थे। इसीलिए धीरज खोकर मैं ये भूल कर बैठी। मुझे लगा कि उस अंड के आवरण के कठोर हो जाने के कारण तुम उससे बाहर निकलने में असमर्थ हो रहे हो। आपको अपना संयम खोने की अपनी इस भूल का दंड भुगतना होगा। आपको माता कतरू की दास बनकर रहना होगा। वही माता कतरू जिनके अंड से अपने अंड की तुलना कर आप अपना धीरज खो बैठी पुत्र, और मेरे साथ ये अन्याय कर बैठी। पुत्र अपनी माँ को ऐसा दंड मत दो, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। जो शाप मैं दे चुका हूँ उसे तो मैं कभी परिवर्तित नहीं कर सकता, किंतु हाँ, यदि आप अब धीरज का परिचय देंगी तो आपका दूसरा अंड एक ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व को जन्म देगा जो आपको दासता से मुक्त कराएगा। देवी विंता से जो भूल हुई वो एक सरल हृदय माता की भूल थी, किंतु फिर भी उन्हें अपनी संतान से श्रापग्रस्त होने का दुर्भाग्य सहना पड़ा। फिर क्या हुआ माँ? तब अरुण आकाश में ऊंचे उड़ते चले गए और उन्होंने सूर्य देव के सारथी का कार्यभार संभाला। अपने स्वयं के ही पुत्र ने जिसे दंडित किया, हम आपसे कह रहे हैं तनिक विचार कीजिए। वो स्त्री, वो देवी देवी विनेता कितनी कठोर और कितनी कपटी हो सकती है, जिसके हृदय में कुटिलता निवास करती है, सद विचार उसे छू तक नहीं सकते और सदैव सदैव देवी कद्रू को नीचा दिखाने का प्रयास करती, उनसे ईर्ष्या करती है। ऐसी थी देवी विनेता। ये कैसा प्रभाव है इस मायावी असुर की माया का? मैं भी उससे प्रभावित होता जा रहा हूँ। उससे अपनी रक्षा कैसे करूँ मैं? पर एक दिवस ऐसी घटना हुई कि दुर्दशा से भरी देवी विनता ने नागलोक की देवी देवी कद्रू को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया, किंतु वो कहते हैं ना
जो कपटी होता है वो अपने चाल की जाल में स्वयं फंस जाता है, और दुर्भाग्यवश देवी विनिता के साथ भी उस दिवस यही हुआ। वे स्वयं अपने चाल के जाल में उलझ गईं। उनके पुत्र अरुण का श्राप तो फलित होना ही था, इसीलिए एक दिवस ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण सदा के लिए देवी विनिता को देवी कद्रु की दासी बनने के लिए विवश होना पड़ा। और उस दिवस समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य अश्व उच्चेश्वरा उनके आश्रम के ऊपर से निकले, और उनकी गति इतनी अधिक थी कि देवी कद्रु को यह प्रतीत हुआ कि उनकी पूंछ काली है। किंतु देवी विनिता सदैव नाग माता देवी कद्रु का अपमान करने के लिए तत्पर रहती थी, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि नाग माता को इस बात पर विश्वास है कि दिव्य अश्व की पूछ काली है, तो इसमें भी उन्होंने अपने कपट का परिचय दिया, और उन्होंने देवी कद्रु की सरलता का लाभ उठाकर उनसे इस अवस्था पर निश्चित कर दाव लगा दिया। देवी कद्रु का दुराग्रह था कि उच्चे शवा की पूछ काली थी, किंतु देवी विनिता ने बड़ी सरलता और विनम्रता से ये सत्य उन्हें बताने का प्रयास किया कि उनका कथन अनुचित है, किंतु दंभ और अहंकार से प्रभावित देवी कद्रु को स्वयं पर अत्यधिक विश्वास था, तो उन्होंने देवी विनिता को चुनौती दे दी और इसी को लेकर उनसे दाव भी लगा लिया। उचित है फिर जब वो दिव्य अश्व उच्चेश्वर कल इस मार्ग से लौटेंगे तो हमें अपनी बात का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरा कथन असत्य निकला तो मैं आपकी दासी बनके रहूंगी देवी विनिता, किंतु यदि आपका विश्वास असत्य प्रमाणित हुआ तो आपको मेरे साथ साथ मेरे समस्त पुत्रों की दासी बनना होगा। अरे क्या हुआ, इतना ही विश्वास है अपने ऊपर? उचित है फिर, आप मुझे इतना बाध्य कर रही हैं, तो मैं ये अवस्था स्वीकार करती हूँ। वो दोनों ये भूल गए थे कि इतनी महत्वहीन बातों पर दाव लगाना संकट को आमंत्रण देने के समान है। देवी विनिता को अपनी दृष्टि पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वो देवी कद्रु के साथ किसी भी अवस्था को निश्चित कर दाव नहीं लगाना चाहती थी, किंतु देवी कद्रु अपने अहंकार के कारण अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाहती थी, और जब देवी विनिता सत्य कथन पर स्थित रही तो उन्हें उसका बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ा, क्योंकि जब देवी कद्रु ने इस बात की चर्चा अपने पुत्रों से की, नाग माता देवी कद्रु के संतानों ने जब इस घटना का श्रवण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार देवी विनिता ने उनकी माता देवी कद्रु के साथ छल किया है, और उन्हें एक ऐसे अनुचित अवस्था पर धाव रखने के लिए विवश कर लिया जिसका परिणाम अनंत काल के लिए उनके अपमान का कारण बन सकता था। तो वो देवी विनिता के कपट का विचार कर चकित ही रह गए। किंतु आप सभी के पूर्वज देवी कद्रु के योग पुत्र नाग मातृ भक्त थे, उनके माता के साथ कोई कपट करे ये उन्हें असहनीय था। वो ये कभी नहीं देख सकते थे कि उनकी माता देवी विनिता की दासी बनने पर विवश हो जाए, इसीलिए अपने माता के प्रति निष्ठावान पुत्रों ने उनकी रक्षा करने का प्रण लिया और एक योजना निर्माण की। तो उन कपटी नागों ने सरलता की प्रतिमा देवी विनिता को छलने में, अपनी माता को इस दाव में विजय बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। शीघ्र ही सब नागों को अपनी माया के वशीभूत कर लेगा ये मायासुर, ताकि दुर्गमासुर हमारा परम मित्र अपना अनुष्ठान सरलता से संपन्न कर वो देवी आली शक्ति को पराजित कर सके। तो दूसरे दिवस जब दिव्य उच्चे शर्वा उस मार्ग से लौट रहे थे, देवी कद्रु के पुत्रों ने अर्थात नागों ने
स्वयं को उस दिव्य अश्रु उच्च शर्वा की पूछ में लपेट लिया, जिससे कि जो भी उनकी पूछ को देखे वो काली ही प्रतीत हो। इन श्वेत दिव्य अश्व की पूंछ एक ही दिवस के अंतराल में काली कैसे हो गई? ये रहस्य मुझे ज्ञात अवश्य है, मेरे पुत्रों ने ही इसे संभव किया है, किंतु ये गुप्त रहस्य मैं तुम पर कभी उजागर नहीं होने दूंगी। अपनी माता को प्रसन्न करने हेतु नागों ने निसंकोच अपने माता के आदेश का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष देवी विंता, देवी कद्रु और उनकी संतानों की सेविका बनने के लिए विवश हो गई, और ऐसा अनेक वर्षों तक स्थिर रहा। जब देवी विंता के दूसरे अंट के खंडित होने पर अति बलवान गरुण देव का जन्म हुआ, जन्म पाते ही स्वाभाविक रूप से गरुण देव अपनी माता को ढूंढने के लिए गए, किंतु उन्होंने जो देखा उसके कष्ट से वो स्तब्ध रह गए। मुझे ऐसा पता था भोजन नहीं, मैंने पा रहा था। अरे इन दोनों से पूर्व मेरा भोजन दो, शीघ्र करो, बहुत भूख लगी है, हमें शीघ्र भोजन दो। नहीं नहीं, शीघ्र भोजन दो, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है माँ। क्या हुआ माँ? एक पुत्र अपनी माँ को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है? ये गरुड़ देव के लिए तो असहनीय रहा होगा ना माँ? हाँ माँ, कोई भी पुत्र ये कैसे स्वीकार कर सकता है? हाँ पुत्र, गरुड़ देव भी नागों के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित, इसीलिए वो उसी क्षण अपनी माता को नागों की दासता से मुक्त कराने हेतु तत्पर होकर नाग माता देवी कद्रु के समक्ष प्रस्तुत हो गए। प्रणाम नाग माता, मैं विंता पुत्र गरुड़ हूँ। मेरी माता को आपकी दास्ता से मुक्त कराने के लिए आप क्या चाहती हैं? ओह, तो तुम अपनी माता को मुक्त कराने के लिए कुछ भी लाने के लिए तैयार हो? तो जाओ, स्वर्ग से मेरे लिए अमृत लाके मेरे समक्ष रख दो, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। फिर क्या हुआ माँ, आगे बताइए ना। नाग माता का संतोष तो स्वाभाविक था, क्योंकि अमृत मंथन के समय आप नागों के साथ घोर अन्याय जो हुआ था, और इसी कारण उन्होंने अमृत प्रस्तुत करने के लिए कहा। ज्ञात है क्यों? आप नागों की भलाई के लिए। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस दुष्ट के प्रभाव से मुक्त रखिए। नमस्कार।
ॐ गण गणपतये नमः। तो माँ, क्या गरुड़देव स्वर्ग से अमृत लाने गए वहाँ? अपनी माता को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय ले चुके थे तो वो वहाँ से सीधे स्वर्ग गए अमृत प्राप्त करने। तो उन्हें सभी देवताओं ने रोकने का प्रयास किया और सर्वप्रथम अग्निदेव आगे बढ़े और अग्नि अस्त्रों की वर्षा की उन पर। फिर वरुण देव ने जलास्त्रों का प्रयोग किया सूर्य देव ने उन्हें अपनी तीक्ष्ण किरणों से भस्म करने की चेष्टा की और इंद्र देव ने उन्हें अपने विद्युत से आक्रमण किया कि तो कोई भी करुण देव को क्षति नहीं पहुंचा। देवगण, मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं आया, मैं तो अमृत प्राप्त करने आया हूं और स्वयं अपने लिए नहीं अपितु अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए। इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, क्योंकि जो भी माँ की सेवा में बाधा उत्पन्न करेगा उसे उसका भयंकर परिणाम का सामना करना होगा। तो क्या इसके परिणाम स्वरूप महान योद्धा गरुड़देव और शक्तिशाली देवताओं के मध्य युद्ध भी हुआ? पुत्र, ये तो एक अतीत की बीती हुई कथा, किंतु मुझे चिंता इस बात की है कि दुष्ट दुर्गमासुर और मायासुर के कारण अब एक विकराल संकट उत्पन्न होने की अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। जब कोई संतान सच्ची निष्ठा भाव से अपनी माँ की सेवा के लिए तत्पर होता है तो वो अपने समक्ष आए कठिन से कठिन संकटों का भी सामना सरलता से कर लेता है।